फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त फिलोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यहाँ पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिला कलेक्ट्रेट के सामने भारतीय किसान यूनियन ने अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना देकर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा, सरकार हमारी मांग नहीं मानती तो हम आने वाले 2023 के चुनाव में सरकार को अपनी ताकत भी दिखाएंगे और अपनी औकात भी दिखाएंगे और सरकार के खिलाफ स्पष्ट रूप से घोषित तौर पर मतदान करेंगे। किसान यूनियन ने अपनी 11 सूत्री मांगों में प्रमुख मांगें, बिजली का बिल माफ किया जाए, सतना जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, अस्थायी रूप से चल रही सब्जी मंडी को बिरला रोड स्थित मंडी में स्थापित किया जाए, बिजली की समस्याओं का निराकरण किया जाए, आवारा पशुओं से किसान को निजात दिलाई जाए व अन्य मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम किसान यूनियन ने ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बातचीत में बताया कि यह सरकार किसान विरोधी है, कहती कुछ है और करती कुछ है। सतना कलेक्ट्रेट के सामने किसान धरने पर है, सत्याग्रह आंदोलन की राह पर है। आखिर उन्हें सत्याग्रह आंदोलन कलेक्ट्रेट के सामने क्यों करना पड़ा, आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कलेक्ट्रेट परिसर में आंदोलन कर रहे किसान हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है और आज आप लोग सत्याग्रह आंदोलन की राह पर क्यों? महेंद्र सिंह, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन नाराज नैतिक। हमको सत्याग्रह आज कलेक्ट्रेट में करना इसलिए पड़ा कि आज इस वर्ष अवर्षा से हमारी 60-70% फसलें खराब हो चुकी हैं। भारतीय किसान यूनियन ने हर एक तहसील स्तर पर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए धरना प्रदर्शन किया। हम लोगों ने मांग की कि जो हमारी फसलें अवर्षा से प्रभावित हुई हैं उनका खेतवाइज सर्वे कराया जाए और किसानों को जो फसल की नुकसानी हुई है उसकी राहत राशि मुआवजा दिलाया जाए। जब हमको ये दिखा कि जो तहसील स्तर पर हम कार्यक्रम कर रहे हैं इससे हमको समाधान होने की गुंजाइश नहीं, तो इसलिए आज हमको मजबूरन सतना कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन को मजबूर होना पड़ा। आज हमारे जिले का पूरे सतना जिले से किसान प्रतिनिधि आंदोलन में आया है। आप लोग कहाँ कहाँ प्रदर्शन कर चुके हैं? हम लोग मैहर में, अमरपाटन में, बिरसुंगपुर में, जैतवारा में, रामपुर बघेलान में, उचहरा में, सभी तहसीलों में प्रदर्शन कर चुके हैं, केवल रामनगर शेष है। जिला मुख्यालय पे आज हम जिला मुख्यालय पे आएंगे इन मांगों को लेकर। कई विधानसभा में आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, अपनी बात रखी, लेकिन जब हमारी बात नहीं मानी गई तो आज हम जिला मुख्यालय सतना कलेक्ट्रेट के सामने सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताएं और आज आप लोग आंदोलन की राह पर हैं। इंद्रजीत पाठक। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? भाई, सूखा सतना जिला में सबसे, प्रदेश में सबसे कम वर्षा हुई है, तो सूखा राहत राशि घोषित करके किसानों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बिजली के बिल हैं, करंट मार रहे हैं, बिजली मिल नहीं रही है और जो किसानों के कर्जा है माफ़ किया जाए और मंडी, सब्जी मंडी है डेलौरा, सब्जी मंडी को ये शिफ्ट करना चाहिए। आपको जो सब्जी मंडी हमारी स्थायी रूप में है वहाँ पे शिफ्ट कराने के लिए हम लोगों ने कई प्रयास किया, वो भी नहीं हो पा रहा है। बिजली है, कई मुद्दों को लेकर हम यहाँ खास तौर से आंदोलन में यहाँ शामिल होने आए हैं। कई मुद्दों को लेकर आज हम कलेक्ट्रेट परिसर के सामने आंदोलन पर है। बिजली के बिल भारी आ रहे हैं, सब्जी मंडी दो हिस्सों में लग रही है वो भी एक समस्या है, उसको लेकर आज हम लोग कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर हैं। हमारे साथ और भी किसान, उनसे बात करेंगे। तिवारी, आज आप लोग धरना दे रहे हैं कलेक्ट्रेट के सामने। जी क्या मांगे आप लोग, क्या मुद्दे हैं? हमारी विभिन्न मांगे हैं जिसमें ये सूखा तो प्रमुख है और सूखे से चूंकि वर्षा हुई नहीं, किसानों के खेतों में पानी गया नहीं और वो फसल लगभग सूख गई है, और दूसरी है आवारा पशु बहुत तंग किया है और स्थिति ये बनी है कि पूरे खेतों को रात में चट कर जाते हैं, वो किसान बिल्कुल तबाह हो गया, परेशान हो गया। बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है, मंडी ये एक और बड़ी समस्या है जो अवैध मंडी संचालित है, उसको हम लोग चाहते हैं कि वो जहाँ उसका नोटिफिकेशन है, जहाँ वो गवर्नमेंट से अधिकृत है वहाँ लगे। मंडी में क्या दिक्कतें आ रही किसानों को? मंडी में बहुत परेशानी, 15 किलोमीटर उसको दूर जाना पड़ता है किसान को, वहाँ आढ़त प्रथा चल रही है, जबकि हमारे जगदीश सिंह जी जब अध्यक्ष थे, मंडी अध्यक्ष थे, तो उन्होंने आढ़त प्रथा रोका था, उस समय से आढ़त प्रथा बिल्कुल लग ही नहीं रही थी,
और वहाँ तो आड़त पता लगती है, वो तो प्राइवेट लोग अपना लूट का अड्डा बनाए हैं, तो उसको हम चाहते हैं कि विरोध हो और ये जहाँ मंजूर है मंडी वहाँ लगे, किसान को राहत मिले, किसान लूटने से बच जाए, किसान लूटने से बच जाए, जहाँ मंडी संचालित होनी चाहिए वहाँ हो। हमारे साथ किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह जी हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। आज आप लोग कितनी सूत्री मांगों को लेकर आप लोग आज कलेक्ट्रेट के सामने? बारह सूत्री का हमारा है, मेन हमारा जो फसल है वो सूख गई है पानी के अभाव से, अब बिजली के अभाव से भी सूख चुकी है, तो उसको जिले को सूखाग्रस्त करें। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम बारिश सतना जिले में हुई है, लेकिन आज प्रशासन और कोई राजनीतिक पार्टी सूखाग्रस्त घोषणा का नाम नहीं ले रही है। किसान तबाह है, कर्जदार है, उनके सामने चिंता है कि हमारे बाल बच्चे पालेंगे कहाँ से, दवाई फीस कहाँ से हम खर्चा करेंगे। जो किसानों के पास पूंजी थी घर की, चावल गेहूँ, उनने सब बेच करके और लागत लगा दी। अब अगर सूखा कष्ट घोषित नहीं होता तो किसान निश्चित तौर पर ये मजबूर होगा आत्महत्या करने के लिए। सरकार आपकी बात नहीं मानती है, आप लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल आगे की रणनीति आपकी क्या? आगे इनके एक महीने के बाद चुनाव आ रहा है, वो हमारे लिए सबसे परीक्षा का वो है, हम चुनाव में इनको वोट से भी निपटाएंगे और इसके भी आबाद भी आंदोलन करेंगे। सरकार तो कहते हैं किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, ये बताइए आप, ये छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ 2200 रुपया कुंटल धान का खरीदती है, छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपया दे रही है, अब अगले बार 3500 रुपया कुंटल देगी, तो जो सरकार हमको सुविधा देगी, भाव देगी, हम उसको वोट देंगे, हम तो इसको निपटाएंगे एक दो महीने बाद। ये किसान विरोधी सरकार है। आप बताइए, यूपी में 10 रुपये कम डीजल पेट्रोल मिलता है, यहाँ 10 रुपये महंगा मिलता है, ऐसा क्यों? तो लागत हमारी बढ़ रही है ना, इसलिए अब परीक्षा का समय आ गया है 2 महीने का, हम उसमें। सरकार तो बड़े वादे कर, किसानों के खेत में हम बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं। अरे झूठ झूठ, फौरेव की सरकार है, 5 रुपया इस जेब में डालती है और 15 रुपया इस जेब से निकाल लेती है। आप बताइए, 4 साल 11 महीना सिलेंडर 1200 रुपया बेचा, 1 महीने के लिए 200 रुपया कम कर दिया, कितना बेवकूफ़ बनाने का काम करती है, समझे आप? और मोदी जी ने कहा था कि 2022 में हम आमदनी दूनी कर देंगे, कहाँ दूनी हुई? ये इतनी झूठे वादे करते हैं ये भाजपा वाले कि इनको निपटाना जरूरी है, तभी ये किसान यहाँ का भला हो। 2023 में चुनाव? हाँ 2000, हाँ वही सबसे बड़ा हमारा हथियार है, उसी से हम इनको निपटाएंगे, और जो सरकार हमारी मदद करेगी, जो भाव देगी, उसको हम वोट देंगे। आज आप कितनी सूत्रों के मान लेकर आप आज आंदोलन पर हैं? आज 13 सूत्री कार्यक्रम हमारा, 13 सूत्री मांगों को लेकर आज किसान सतना कलेक्ट्रेट के सामने। हम और भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ किसान हैं उनसे बात करेंगे। आप बताएं, आज आप लोग यहाँ पर आंदोलन पर हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? बिजली से परेशान है किसान, तबाह हो गया है, बिजली नहीं रहती गाँवों में तो किसानी नहीं कर पाते, खेती नहीं कर पाते, और दूसरा मच्छर इतना गाँव में है कि काट काट के उनको सुझा दिया है। हम किसानों के समर्थन में आए हैं यहाँ, और कि चाहते हैं कि किसानों की बातों को सरकार सुने, नहीं तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और आने वाले चुनावों में भी किसान जो है सरकार को सबक सिखाने का काम करें। हमारे साथ और भी किसान, उनसे बात करेंगे। आप बताएं, आज आप लोग हैं, आप लोग यहाँ पर हैं, आप किसान हैं? मेरा नाम नागेंद्र सिंह। जिला समस्या आपके क्षेत्र में आ रही है? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या बिजली की अघोषित कटौती है, लो वोल्टेज की समस्या है, सैकड़ों ट्रांसफार्मर जले हैं। कभी आप और बिजली विभाग जाते हैं आंदोलन? बिजली विभाग जाते हैं, रामपुर में आंदोलन किए, 1 हफ्ते में ठीक करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन न तो ट्रांसफार्मर बदले गए, न वोल्टेज बढ़ा, और किसान एकदम से बिजली और अवर्षा के कारण फसलें सूख गई हैं, इसलिए तत्काल जले ट्रांसफार्मरों को बदला जाए और बिजली किलो वोल्टेज और अघोषित कटौती बंद की जाए, यही हमारी मांग है। बिजली की कटौती बंद की जाए, सतना सूखा घोषित किया जाए। हमारे साथ और भी किसान, उनसे बात करेंगे। बताएं, आपका नाम क्या है? जितेंद्र सिंह नाम है। मैं समस्या आप लोगों की? समस्या सर हम लोगों की भर नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, पूरे प्रदेश के किसानों की समस्याएं हैं। समस्या ये है कि सरकारें सिर्फ ब्लफ देती है, कोई भी सरकारें, आज 75 साल हो गए, किसानों को कहते हैं हम कर्ज दे रहे हैं, उद्योगपतियों को कर्ज दे रही है तो आप पेपर में नहीं लिखते हैं, लेकिन किसानों को कर्ज दे रहे हैं। कोई किसान अपनी माँ को बेचना चाहेगा, ऋण कर्ज में डुबोना चाहेगा क्या? किसी साहूकार के यहाँ अपनी माँ को रखना चाहेगा? धरती हमारी माँ है, और यदि धरती हमारी माँ है तो इनकी भी माँ है। और कोई भी सरकार कहे कि हम आपको कर्ज दे रहे हैं, बदले में आपकी जमीन ले रहे हैं, तो हरगिज हम नहीं देना चाहेंगे।
आप आज आप लोग आंदोलन पर हैं जी, आपकी बात सरकार नहीं मानती, आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे, इस चुनाव में बहिष्कार करेंगे सभी किसान मिलकर, और कोई भी वोट नहीं करेगा किसान। दिखाएंगे इस सरकार को ताकत के साथ में कि हम किसान, यदि हम किसानों के लिए 75 साल से आपके पास कोई योजना नहीं है तो हम किसान वोट नहीं करेंगे। हम किसान दिखाएंगे इस बार 2023 में, सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम बताएंगे कि हम क्या है, किसान की ताकत क्या है। हमारे साथ और भी किसान, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम ललोहर। हाँ बताएं, आपकी आपके क्षेत्र में क्या समस्या है? मेरे क्षेत्र में बिजली की तो भयानक समस्या है। मेरे क्षेत्र बिरसिंहपुर में अकेले लगभग 100 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। 1300 को जो रेट DAP का, वो 1500 रुपये DAP। तो ब्लैक में बिकती क्या? ब्लैक में बिकती है, किसी दुकान में रेट नहीं, जबकि मेरे यहाँ लाइसेंस 15 ठो है, पर किसी में रेट सूची लगी। बात कर रहे हैं, मैं बिरसिंहपुर तहसील क्षेत्र बात कर रहा हूँ। कोई अधिकारी के पास आप लोग गए? मैं हर छः में, मैंने हर महीने में 2 बार ज्ञापन देता हूँ, मेरे पास ज्ञापन की कॉपी। तो क्यों बात नहीं सुनी जा रही है? क्यों अभी आप प्रशासन यहाँ का जो है वो मतलब ढीला, प्रशासनिक अमला भ्रष्ट है कुल मिलाकर। आज सतना कलेक्ट्रेट में किसान धरने पे हैं और सतना में किसान अपनी मांगों को लेकर 11 सूत्री उनकी मांग है और उनका कहना साफ है कि सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो 2023 में हम सरकार को अपनी ताकत दिखा देंगे, किसान की क्या ताकत होती है। सतना से कैमरामैन महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर।